फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आइए अनीता की किचन में आपका स्वागत है। आज अपन बनाएंगे लौकी के कोफ्ता। इस कोफ्ता बनाने के पहले लौकी को अपन छील लेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा चाट के देखेंगे, क्योंकि कोई कोई लौकी है ना कड़वी होती है, इसी वजह से थोड़ा सा टुकड़ा नहीं है, अच्छी है, मीठी है। आप भी पहले लौकी बनाने के पहले इसको लौकी को देखा करिए, कोई कोई लौकी कड़वी होती है ना। अब अपन इसको छीलेंगे। इस लौकी को छीलने के पहले धो लिया है मैंने। अपनी लौकी छिल चुकी है, अपनी लौकी छिल चुकी है। चलिए अपन इसको पीसेंगे। अपन इसको टुकड़े करके भी पीस सकते हैं, इसी से पीसेंगे। कर लो ठीक है टुकड़े। देखिए अपना लौकी को अपन ने पीस लिया है। और सबसे पहले पैन गरम करके पैन में तेल डालेंगे। तेल गरम करेंगे पहले, क्योंकि अपना ये कोफ्ते में अपन मिर्ची वगैरह नमक डालते हैं ना, तो वो मिश्रण फैल जाता है, इसी वजह से पहले तेल गरम करके रखेंगे और तुरंत डाल देंगे अपने कोफ्ते को। सबसे पहले डालेंगे अपन जीरा, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक बाद में डालेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपन बेसन लेंगे। मैं डालूंगी नमक, आधा चम्मच नमक डालूंगी। नमक मैंने सबसे बाद में डाला, क्योंकि नमक से है ना पानी छूटता है ना मिश्रण में, इस वजह से। देखेंगे अपने कोफ्ते की बाइंडिंग हो रही है क्या। हाँ, अगर नहीं हुए तो अपन बेसन डाल सकते। देखिए मैंने एक कप बेसन लिया था और मुझे आधा कप बेसन लगा, आधा कप से भी थोड़ा कम ही लग रहा, और थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि बाइंडिंग अच्छी हो। ये देखिए आधा कप बेसन है। अपन देखेंगे गरम हुआ कि अपना तेल नहीं, जब तक अपन अपने कोफ्तों को बना के रख लेंगे। ऐसे डालते जाएंगे।
इसको अपन ऐसे चपटा भी कर सकते हैं, जैसा मन चाहे आकार में अपन बना सकते हैं। और इन कोफ्तों को थोड़ा दूर दूर ही डालिए। जगह है अपना, इसमें और एक दो कोफ्ते डाल सकते हैं। जब तक ये कोफ्ते अपने कड़क ना हो जाए, जब तक कि इसको झारा ना लगाए, क्योंकि ये फैल भी सकते हैं इसी वजह से। चलिए अब इन कोफ्तों को निकाल लेंगे अपन। थोड़ी देर ऐसे इसको ऐसे रख दूंगी मैं, फ्लेम बंद करूंगी, थोड़े से और भी रहते सीज जाएंगे।
इनको कढ़ाई इधर करके अब हम इन कोफ्तों को बनाने के लिए साहित्य लेंगे अपन। नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा और चार पांच काजू लिए मैंने, खोबरा का टुकड़ा और एक कलमी का टुकड़ा, तेज पत्ता, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन पेस्ट, ये कांदे का पेस्ट है या लहसुन का पेस्ट है, और टमाटर मैंने दो पीस लिए हैं मिक्सी में बस। और अब इसको बनाने के पहले अपन इनको बारीक करेंगे खलबत्ते में। खोबरा, शेंगदाने और 8-10 काली मिर्च लिए, इसको अपन बारीक करेंगे। खोबरा, शेंगदाने बारीक किया है और ये काली मिर्ची डालूंगी। काजू डालूंगी, चार पांच काजू, ये देखिए। वैसे मिक्सी में भी मैं पीस सकती थी पर मुझे आपको बताना था तो मैं कहा चलो इसी में आप कूट लो। अपन चलिए तेल गरम करेंगे अपन। देखेंगे अपना तेल गरम हुआ है क्या, तो जीरा डाल के, हाँ हो चुका है। एक कलमी डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, कांदे का पेस्ट डालेंगे, करने के लिए थोड़ा गट्ठी आना चाहिए करके 1 चम्मच बेसन लिया है मैंने, और वो लौकी का जो पानी निकाला था ना उसी पानी से इसको मिक्स कर लेंगे, इसका घोल बनाएंगे बेसन का। एक चम्मच बेसन लेके ग्रेवी के लिए बेसन का घोल बनाएंगे। अपन डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट, इसके बाद में डालेंगे अपन धनिया पाउडर 1 चम्मच,
मिर्ची एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और जो अपने तैयार किया है खोबरा काजू और काली मिर्ची का वो डालेंगे पाउडर। उसके बाद में डालेंगे टमाटर का पेस्ट। दो बड़े टमाटर लिए थे मैंने पेस्ट बनाने के लिए। अब इसको जो ये पानी बचा था ना अपना लौकी का, वही पानी डालकर इसमें मसाले में और ये जो बेसन का एक चम्मच बेसन का अपन ने घोल बनाया था वो भी इसी में डाल देंगे। ठीक है, फिर ये ग्रेवी को अपन पकने देंगे थोड़ी देर तक, ढक के रखेंगे। इस ग्रेवी को पकने के लिए कुछ देर तक ढक के रखेंगे, 2-3 मिनट तक। देखिए अब अपन देखेंगे अपनी ग्रेवी को। इधर ग्रेवी पक्के तैयार है और मैं डालूंगी इसमें कसूरी मेथी, घर की बनाई हुई है, थोड़ी सी डालेंगे अपन। और देखिए बाइंडिंग करने के बाद में भी अपना आधा कप बेसन बच चुका है और मैंने नमक नहीं डाला था इसमें। अब अपन इसमें नमक डालेंगे एक चम्मच। वैसे तो नमक अपने इसमें भी है ना कोफ्ते में भी, चलिए कोफ्ते डालेंगे अपन। चलिए देखेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ी सी जितना अपने को लगता उतना। देखिए अपनी ग्रेवी बढ़िया बनके तैयार है। सबसे पहले अब आपको एक कोफ्ता काट के दिखाऊंगी। देखिए इनमें जब ग्रेवी जाती है ना बहुत अच्छा लगता है, और ग्रेवी जाने के लिए देखिए कितने अच्छे जाले आए हुए इसके ना। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे। बस एक उबार आने देंगे और अपने कोफ्ते तैयार है। थोड़ा सा इसको झाक के रख देंगे 1-2 मिनट के लिए। चलिए अब देखेंगे अपने कोफ्ते तैयार हुए क्या, कड़ आया क्या, इसमें उबान आया क्या। हाँ आ गया, अपन इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया कटा हुआ, फ्लेम बंद करेंगे गैस अपन। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, लौकी के कोफ्ते की, कमेंट द्वारा बताइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।